हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गोपा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पाउडर पफ फ्लावर प्लांट के केयर के बारे में और इसको कैसे देखभाल करेंगे इसी टॉपिक पे आज बात है। और मेरा जो है पाउडर पफ, जो देखिए फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रहे हैं और देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा जो है फ्लावर जो अभी आ रहे हैं। और मैंने इसको जो है एक मिट्टी के गमले में मैंने इसको जो है लगा के रखे हैं मिट्टी के पॉट पे। और वैसे पाउडर पॉप जो है फ्लावर प्लांट जो है, एक तो वैसे तो एक परमानेंट प्लांट होते हैं, इसका जो है साल भर जो है जो फ्लावर खिलते रहते, कभी कम कभी अधिक, तो इस तरह से ये जो है फ्लावर देते रहते हैं। लेकिन ज़्यादा जो इसको फ्लावरिंग जो टाइम होते हैं ये बरसात और गर्मी, ये जो मौसम होते हैं इस टाइम में इसका जो है फ्लावर बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और बहुत अच्छे से तभी अभी ये फ्लावरिंग करते हैं। और केयर के बारे में बात करें तो इसका जो है साल भर के केयर के लिए आप जो है 2-3 महीने के बाद आप जो है गमले के मिट्टी को जो है जो गुड़ाई करके उसमें जो है दो मुट्ठी जो है आप गोबर का खाद जो है ऐड कर दीजिए इस पर और जो है मिट्टी को बराबर कर दीजिए, ये जो है इसके लिए काफ़ी होते हैं। और बात करें कि अभी के टाइम में अभी जो बरसात अभी का टाइम जो हो रहा है जो बरसात और जो गर्मी इस टाइम में जो है इस टाइम अभी जो है फ्लावरिंग के लिए बेस्ट टाइम होते हैं, तो अभी के लिए इसका जो है विशेष खास ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए जो है गोबर का खाद तो 2 मुट्ठी देना ही है, इसके बाद लिक्विड खाद के तौर पे हम इसको देंगे सरसों का खली का जो लिक्विड जो है फर्टिलाइजर होते हैं उसको बहुत लाइट करके हम इस पर दे देंगे। और जो है 15 दिन में एक बार हम इसको काउडंग मैन्यूर होते हैं उसको हम यूज़ कर देंगे एक पॉट में जो है हल्का करके इसके मिट्टी में, तो ये जो है अच्छा हमको रिजल्ट मिलेंगे इससे। और अगर बात करें इसका सनलाइट का, तो सनलाइट जो है इसको जो है ऐसे तो ये सनलाइट पसंद प्लांट होते हैं, लेकिन इसको आप अगर कम सनलाइट भी लगे तो फिर भी जो है ये जो अच्छे से फ्लावरिंग कर जाते हैं। लेकिन वैसे तो सनलाइट ये पसंद करते हैं, सनलाइट में भी रखेंगे तो बहुत अच्छा होते हैं। अगर बात करें इसका कीड़े मकोड़े का, तो इस प्लांट में ख़ासतौर पर कोई कीड़े मकोड़े के अटैक जो है दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी आप अगर कि अटैक ना हो इसके लिए आप क्या करें, नीम के पत्ते को बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद उस पानी को आप जब ठंडे हो जाए उसमें और थोड़ा और पानी मिला करके उस पानी से आप पूरा प्लांट को स्प्रे कर दें। इसे जो है आपको चींटियां वगैरह और जो है और कोई भी प्रकार का जो है स्पाइडर का बोलिए चाहे चींटी बोलिए, तो इस तरह के कोई भी कीड़े मकोड़े के अटैक इससे पर इस पर जो है लगेंगे नहीं। तो ये जो है इंतजाम आप पहले से आप करके रख सकते हैं ताकि आपका प्लांट में कोई भी कीड़े मकोड़े के अटैक ना हो। और अगर आगे केयर के बारे में इसका बात करें तो इस प्लांट को जो है ये जो है सीड से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसका जो छोटे छोटे सीड्स बनते हैं उस इसको आप अगर ऐसे ही अगर मिट्टी में ऐसे ही दबा देंगे इससे भी वो जो है बहुत आसानी से और मतलब बहुत जल्दी इसका जो है प्लांट इसका निकल के आते हैं। इसके अलावा अगर आप अगर चाहेंगे तो इस प्लांट को जो है आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये प्लांट जो है सीड से बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो आप कोशिश करें जब भी इस प्लांट को जो लगाए तो सीड से इसको ग्रो करें। सीड से जो है ये जो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, और कोई भी प्लांट को हम अगर सीड से ग्रो करते हैं तो उसका जो है फ्लावरिंग जो क्वालिटी भी अच्छे ही निकल बाद में अच्छे बन के आते हैं। उस प्लांट पे जो है फ्लावर जो है बहुत अच्छे खिलते हैं, बड़े साइज का भी खिलते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो है इस प्लांट को जो है सीड से ग्रो करने के लिए। और जब सीड से जब प्लांट जब ग्रो हो जाए छोटे से जब बड़े हो जाए तब इसको जब आप रिपोर्टिंग करें तो रिपोर्टिंग का सॉइल मिक्स जो है ऐसा बनाएं आप कि 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लें
और 30% काउडंग कंपोज ले लें और 20% सैंड। इस तरह से पॉटिंग सॉइल मिक्स बना के आप जो है इस प्लांट को रिपॉटिंग कर अगर कर देते हैं तो आपको जो है आगे चल के जो है बहुत अच्छे इसको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि सैंड का मात्रा थोड़ा सा आप जो है ज़्यादा रखेंगे तो मिट्टी जो वेल ड्रेन रहेगा अगर रहेगा तो जो है ग्रोथ अच्छे होंगे, रूट्स अच्छे बनेंगे और प्लांट का ग्रोथ भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।